मूवी के स्टार्ट होते ही हमें चार बच्चे दिखाए जाते हैं जिनके नाम साइड, नोई, जड एंड टेड होता है। ये चारों बच्चे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और उस जंगल में एक घर होता है जिसके पास जाके वो रुक जाते हैं। और उस घर के बारे में एक बात बड़ी फेमस थी कि वहाँ पर किसी आत्मा का कब्जा है और रात को जो भी वहाँ पर आता है वो उसे मार देती है। और फिर ये कहानी सुनकर जड इसका मजाक उड़ाता है, फिर ये बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं और तब साई और लुई उसी घर में जाकर छुप जाते हैं। उस घर में साई को एक बॉक्स नजर आता है और जब वो उसके अंदर जाके देखती है तो वो बिल्कुल खाली होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त हमें साई के पीछे किसी का सर दिखाई देता है। फिर कई साल गुजर जाने के बाद हमें वही बच्ची साई दिखाई जाती है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी थी और उस वक्त साई अपने बिस्तर पर सो रही होती है। और वो जब सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसके बेड पर थोड़ा सा ब्लड लगा है, तो वो उस ब्लड को साफ करने लगती है। साई एक डर्मोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है जिसके सिलसिले में वो हॉस्पिटल जा रही होती है और फिर उसे जड मिलता है और जड साई को बहुत पसंद करता था और उसे फॉलो करते हुए उसका हॉस्पिटल आ जाता है। जड उसे अपने प्यार के इजहार और इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश करता है और साई को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी नहीं होता। लेकिन ठीक उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को लेके आ जाती है जो कि इंजर्ड होता है और साई फौरन उस बच्चे का ट्रीटमेंट करने लग जाती है। वो औरत साई को बताती है कि कल रात उनकी नेबर की मुर्गियों को करासू ने खा लिया था और उसका हस्बैंड साई और जड को बताता है कि कुछ गांव वालों ने करासू को देखा था। वेल दोस्तों, करासू एक डेमन सोल है जो कि सिर्फ और सिर्फ रात को निकलती है और रात को घूमने वालों और एनिमल्स का शिकार करती है। और करासू से जान बचाने के लिए वो औरत उन्हें सजेस्ट करती है कि रात के वक्त अपनी डोर और विंडोज को बंद ही रखें। और जब वो लोग चले जाते हैं तब साई जड को बताती है कि वो अक्सर नोई को काफी याद करती है और नोई वही बच्चा है जो कि उस रात साई के साथ छुपने वहां पर गया था। और साई कहती है कि मुझे तो उसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा होगा। रात के वक्त जब साई अपने फादर और उसकी दादी के साथ डिनर कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि आज रात उसके फादर करासू से प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोलिंग करने वाले हैं। और जिसके बाद साई की वही फ्रेंड वहां पर आ जाती है और जड वाले मैटर को देखकर उसे काफी बातें सुनाती है और वो साई से उनकी शादी के बारे में भी पूछती है, लेकिन इस टाइप की किसी भी बात पर साई इनकार कर देती है। और रात को जब साई सो रही होती है तो उसे उसके ख्वाब में वही जंगल वाला घर एंड वही करासू नजर आती है। और सुबह जब साई सोकर उठती है तो वो देखती है कि फिर से उसके बिस्तर पर खून लगा हुआ था और अब तो पहले से भी काफी ज्यादा लगा हुआ था और उसके सारे विंडोज भी ओपन थे और साई की टेस्ट पर जख्म बने हुए थे। फिर साई इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाती है और साई जब उस हॉस्पिटल से जाने वाली होती है तो वो जेड को अपने साथ उसी जंगल वाले घर में जाने का कहती है। और वो दोनों जब उस घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में उनका बचपन का दोस्त नोई भी वहाँ मिल जाता है और वहाँ नोई के साथ करासू को मारने वाले लोगों का एक ग्रुप भी होता है और ये लोग करासू के हंटर्स होते हैं जो कि गांव वालों को करासू की कहानियाँ बता बता कर उन लोगों को काफी डरा देते हैं। और वो बताते हैं कि करासू सबसे पहले मुर्गियों का शिकार करती है और जब सारी मुर्गियाँ भी खत्म हो जाए तो फिर गाय, भैंस, बकरियाँ, और जब ये भी सब ना रहे तो वो इंसानों को अपनी भूख मिटाने का जरिया बना लेती है। और करासू हंटर्स का एक ग्रुप का लीडर अपने साथ मरी हुई करासू का एक सर भी लाया होता है और वो गांव वालों को ये बताता है कि अगर करासू किसी पानी में स्पिट कर दे तो वो पानी भी कर्ज हो जाता है और अगर कोई लड़की इस पानी को पी ले तो वो करासू में तब्दील हो जाती है और अगर कोई लड़का उसे पी ले तो शदीद दर्द उसे होना स्टार्ट हो जाता है और उस दर्द की वजह से वो मर जाता है। और जिसके बाद गांव वाले बहुत डर जाते हैं और उन्हें वहां रहने के लिए अलाउ कर देते हैं। फिर नोई के रहने का सारा इंतजाम हॉस्पिटल में ही हो जाता है। फिर जर्ड अपने फ्रेंड नोई को कुछ कपड़े और ज़रूरत के कुछ सामान दे देता है और दूसरी तरफ साई को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है। फिर वो जर्ड को कहती है कि वो अकेले ही जाना चाहती है। और फिर अगली सुबह जब साई उठती है तो फिर से उसके बेड पर बहुत सारा खून लगा होता है और उसके साथ ही उसे खून वाली उल्टियाँ भी होने लगती है। साई को पता चलता है कि किसी ने भैंस को मार कर खा लिया है और जाहिर है सबका शक करासू पर ही जाता है। तभी नोई साई को बताता है कि जर्ड ने भी उन हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो जर्ड को समझाता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इन्हें ज्वाइन मत करो। लेकिन जर्ड नोई की एक नहीं सुनता और कहता है कि मैंने गांव वालों की हिफाजत के लिए ये ग्रुप ज्वाइन किया है। और जब रात को जर्ड उन करासू हंटर्स के साथ पेट्रोलिंग करने जा रहा होता है लेकिन वो उससे पहले साई के पास जाता है और उसे एडवाइस देता है कि वो दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साई को अजीब सी फीलिंग होने लगती है और साथ ही उसे शदीद दर्द होने लगता है और देखते ही देखते वो करासू में तब्दील हो जाती है। और यहाँ पर एक राज खुलता है कि साई ही असल में करासू है और हर रात जो वो ड्रीम देखा कर वो कोई ड्रीम नहीं था बल्कि उसके साथ वो हकीकत में हुआ करता था। और उसी दौरान साई के फ्रेंड का बेटा गायब हो जाता है। फिर वो वही करासू हंटर्स के पास जाती है और तभी वो करासू यानी साई
हवा में फ्लाई करती दिखाई देती है और वो हंटर्स उसे शूट करने लगते हैं। और तभी जड उस औरत के बच्चे को ले आता है और जब वो करासू यानी साई वापस जारी होती है, जब नोई उसे देख लेता है, जब नोई उसका पीछा करता है तब वो देखता है कि वो साई के रूम में चली गई है। और जब नोई विंडो से देखता है तो वो देखकर ये काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि साई ही असल में करासू है और वो काफी डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो देखती है कि वहां पर नोई नहीं है, जिसे देखकर वो बहुत सैड हो जाती है। नोई जिसको साई की रियलिटी पता चल गई थी और वो काफी डर गया था, यही वजह थी कि वो वहां से भाग जाता है। इस मोमेंट में साई को किसी सहारे की जरूरत होती है लेकिन उसका फ्रेंड ही उसे छोड़कर जा चुका होता है। नोई डरकर किसी टेंपल में जाकर सो जाता है। फिर वो मॉन्क से करासू के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि करासू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये डायमंड बहुत ही समय से इंसानों के साथ रह रही है और ये डायमंड और कोई नहीं होते बल्कि ब्लैक मैजिक वाले इंसान ही होते हैं जिनके रॉन्ग मैजिक स्पेल से उन्हें करासू बना दिया जाता है। इसकी सजा ये होती है कि लड़कियां करासू बन जाते हैं और लड़के क्रैन। नोई उन्हें बताता है कि मेरा बहुत ही करीबी एक करासू है। फिर मॉन्क उसे कहता है कि तुम्हें जज्बाती होना नहीं चाहिए और ना ही दिल की सुननी चाहिए। रात के वक्त जब साई करासू बन जाती है तब नोई उसके लिए मरी हुई मुर्गियां लाता है। साई वो मुर्गी खा लेती है और इसी लिए वो बाहर नहीं जाती। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब साई हॉस्पिटल जाती है तो वो देखती है कि नोई वहीं पर है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और जिसके बाद हर रात नोई साई के लिए बहुत सारी मुर्गियां लाया करता था जिसकी वजह से उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और दूसरी तरफ गाँव वाले इस बात से बड़े हैरान हो जाते हैं कि एक महीना गुजर गया है और किसी ने भी करासू को नहीं देखा था, लेकिन स्टिल जड उन करासू हंटर्स के साथ ही होता है। दूसरी तरफ नोई जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि वो साई के लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होता है। और फिर मॉन्क नोई को बताता है कि एक करासू हर्ब नाम का एक पौधा है जिसे खा लेने के बाद एक करासू नॉर्मल इंसान बनना शुरू हो जाता है। फिर साई हॉस्पिटल में एक बच्चे का ट्रीटमेंट कर रही होती है कि जड़ वहां पर आ जाता है और साई को एक जूस देता है, साई जिसे पीकर रख देती है। और फिर वो बच्ची साई का बचाया हुआ जूस पी लेती है और जूस पीते ही वो बच्ची भी कर्ज हो जाती है और अब वो भी करासू बन जाती है। और जब उसके पेरेंट्स उसको करासू बनते देखते हैं तब वो करासू हंटर्स के पास फोन करते हैं और उन्हें बुला लेते हैं। करासू हंटर्स का ग्रुप का लीडर उस बच्ची को मरी हुई छिपली का लालच देता है और अपने पास बुलाता है। और जब वो बच्ची उनके ट्रैप में फंस जाती है तो वो उसे शूट कर लेता है और उसका दिल निकाल लेता है। फिर वो लीडर टेड बच्ची के पेरेंट्स से पूछता है कि ये करासू कब से बनी है तो उसके पेरेंट्स टेड को बताते हैं कि वो हॉस्पिटल के आने के बाद से करासू बनी है। और अब टेड को साई पर शक हो जाता है कि वो ही असल में करासू है और उसकी वजह से ही वो बच्ची भी करासू बन गई थी। फिर साई ये सब सुनकर काफ़ी सैड हो जाती है कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई है और वो उस बच्ची की तरह उन करासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती। और नोई यहाँ पर भी उसका साथ देता है और साई को अपने साथ जंगल में जाने को कहता है क्योंकि वो घर हर रात साई के ख्वाब में आया करता था और साई समझ जाती है कि शायद वहीं उसकी उस प्रॉब्लम का हल मौजूद है। टेड साई के ऊपर नज़र रखा होता है और वो साई को नोई के साथ जंगल में जाना देख लेता है। फिर साई और नोई उस जंगल के घर के पास पहुंच जाते हैं और नोई साई को उसी करासू हर्ब वाली जगह पर ले जाता है और जब वो उसके खाती है तो वो अच्छी फील करती है और वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इस पौधे को खाने के बाद साई इस कर्ज से आज़ाद हो जाएगी और उसे शिकार करने के लिए किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा। और इतनी ही देर में वो करासू हंटर्स एंड जड वहां पर आ जाते हैं और जड जब उन दोनों को किस करते देखता है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और नोई को मारने लगता है। और दूसरी तरफ साई उन पौधों को ले लेती है और वहां से निकल पड़ती है। सब हंटर साई पीछा करते हैं। साई उस घर में आ जाती है और अंदर जाकर उसी बॉक्स के पास पहुंच जाती है और बचपन में होने वाले सारे वाकये उसे याद आ जाते हैं कि जब वो हाइड एंड सीख खेल रही थी और साई वहां पर आकर छुप गई थी तब उस करासू ने साई को भी कर्ज कर दिया था और उस करासू के साथ जो भी हुआ था वो उसे पता चल जाता है। और वहीं पर साई की सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और फिर साई को मारने के लिए वही हंटर्स वहां पर आ जाते हैं जिससे साई बहुत गुस्से में आ जाती है और देखते ही देखते वो करासू में बदल जाती है। फिर एक एक करके वो सब लोगों को मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर जड भी उस घर के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि टेड साई को शूट करने वाला है। जड टेड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है जिससे टेड गुस्से में आ जाता है और उल्टा जड पर ही अटैक कर देता है जिससे जड काफी जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। और करासू के वहां मौजूद होने से वहां बहुत बड़ा तूफान आता है और जब सब कुछ रिलैक्स हो जाता है तब नोई साई को वहां से ले जाता है। और अगली सुबह लोगों को पता चलता है कि करासू हंटर्स के बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि करासू ने मारा है। उन मरे हुए लोगों में गांव के भी काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें देखकर गांव वाले बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और तभी टेड जख्मी जड को लाकर वहां पहुंचता है।
टेड जड के पेरेंट्स को बताता है कि उसकी ये हालत करासू ने की है। कल रात जब वो करासू के पीछा करते करते जंगल में पहुंचे थे तब उसने उनके दो साथियों को भी मार दिया था, और साथ ही यहाँ पर वो ये राज भी खोल देता है कि साई ही करासू है। ये सुनकर गुस्से वाले लहजे में सब गाँव वाले साई को मारने का डिसीजन लेते हैं और गुस्से से वहाँ से भाग जाते हैं। और इन सब की बातें नुई सुन लेता है और वो सुनते ही साई की तरफ भागता है ताकि वो साई को सारी बात बता सके और उन लोगों से उसे सिक्योर कर सके। दूसरी तरफ साई जो कि बहुत पेन महसूस कर रही होती है और साथ ही वो उन हर्ब्स को भी ढूंढती है और साथ ही उन दोनों के किस करने की वजह से नुई भी कर्ज हो जाता है और उसे भी शदीद पेन होने लगता है। और दूसरी तरफ साई के फादर उन गांव वालों को ऐसा करने से रोक रहे होते हैं और उसके बदले में वो गांव वाले कहते हैं कि हम साई को भी मार देंगे और ये घर भी जला देंगे। और इसी दौरान साई के फादर साई को बाहर बुलाते हैं और साई आ जाती है एंड साई ने उस प्लान को खा लिया होता है, इसलिए वो करासू नहीं बनती। फिर टेड उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो अभी तक करासू कैसे नहीं बनी। और फिर टेड साई के करासू होने का गाँव वालों को मारने का इल्ज़ाम लगाता है, जिसके जवाब में साई उल्टा टेड को ही उनके साथियों पर ही इल्ज़ाम लगा देती है और बताती है कि कल रात टेड और उसके साथियों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। वो कहती है कि जड ने ही मुझे उन लोगों के हाथों से बचाया था। और फिर टेड को मजबूरन वहाँ से भागना पड़ता है और जड जब अपने घर में जाता है तब वो देखता है कि टेड तो वहाँ पर छुपा हुआ है और टेड उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है और उसके काटते ही जड भी कर्ज हो जाता है। वो भी क्रैन बन जाता है जैसे लड़कियां करासू और लड़के क्रैन। और टेड जो कि किसी भी करासू को मार देने के बाद उसका दिल निकाल लेता था क्योंकि असल में वो भी एक क्रैन था। ऐसा होने के पीछे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कहानी छुपी हुई थी। क्रैन असल में एक शैतान होता है जिसकी वाइफ होती है करासू, और एक दिन उसे किसी इंसान के साथ प्यार हो जाता है और जब करासू उस इंसान के साथ भाग रही होती है तब क्रैन उसे मार देता है और वो करासू का दिल निकाल लेता है। और उसी दिन से लेकर क्रैन के दिल में बदले की एक आग जलती है जिसके चलते वो करासू को मारकर उसका दिल निकाल लेता है। जिसके बाद हर रात साई वो प्लांट खाती रहती थी जिसकी वजह ये होती थी कि अब वो करासू नहीं बनती थी। और दूसरी तरफ नोई मसलसल उसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ जर्ट की काफ़ी बुरी हालत हो गई थी जिसको देखकर उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और टेड उन सारे प्लांट्स को जला देता है और उसके नॉर्मल होने वाले सोर्स को ख़त्म कर देता है। और उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि साई के पास अब सिर्फ दो पौधे बचे थे और नुई भी उसका ट्रीटमेंट ढूंढने में नाकाम हो गया था। और इन सब हालातों से छुटकारा पाने के लिए साई को कहता है कि वो उसके साथ हांगकांग चले। फिर साई जर्ड के घर जाती है और जब वो जर्ड को ऐसी हालत में देखती है तो वो काफ़ी दुखी हो जाती है एंड जर्ड उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही करासू हो और ये बात मुझे उस दिन पता चली थी जब तुमने मुझे अपने साथ जाने के लिए मना किया था और तुम्हें उस दिन करासू बनकर गाय खाते हुए मैंने देख लिया था और यही वजह थी कि मैंने उन हर्टर्स का ग्रुप ज्वाइन किया था ताकि वो साई को उन गांव वाले से दूर रख सके। और वहीं पर जर्ज साई को अपने साथ रहने के लिए काफ़ी इंसिस्ट करता है और जब नुई भागने के लिए पूरी तैयारी करके साई को वेट कर रहा होता है तब साई भी अपनी पूरी तैयारी करके वहां से निकलने वाली होती है कि तभी वहां पर साई के फादर आ जाते हैं और वो उसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर गांव के सारे लोग जमा होते हैं। और साई के फादर उसे इसलिए अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो साई को और बाकी गाँव वालों की प्रोटेक्शन कर सके, साई ही करासू है इस तरह की बातों से वो बच सके। और दूसरी तरफ टेड जर्ड को भड़काने लगता है कि साई तुम्हारा प्रॉमिस तोड़कर नुई के साथ जा रही है और वो लगातार जर्ड को भड़काता है जिसकी वजह से जर्ड शरीर गुस्से में आ जाता है और कर्ज होने की वजह से पूरा क्रैन बन जाता है। और तभी साई को भी पेन होना शुरू हो जाता है और यहाँ मुश्किल ये हो जाती है कि अब उसके पास कोई प्लांट भी नहीं था और इसी के साथ वो सबके सामने करासू में चेंज हो जाती है। गाँव के सब लोग बहुत डर जाते हैं और उस पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। साई वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और वो करासू से जान छुड़ाने के लिए साई की बॉडी को ही जलाने का फैसला करते हैं और साथ ही साथ उस पर अटैक भी कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ साई के फादर उन्हें ये करने से रोक रहे होते हैं और वहाँ टेड और जर्ड भी पहुँच जाते हैं जो कि अब पूरी क्रैन बन चुके थे। जर्ड करासू को पकड़ लेता है और नोई उसे याद दिलाता है कि ये साई है जो कि करासू बनी हुई है और वो उसे ना मारे। और तभी टेड साई का खात्मा करने के लिए उस पर अटैक करता है। जर्ड साई को बचाने के लिए टेड से बहुत लड़ता है और दूसरी तरफ गाँव वाले साई की बॉडी को मार मार कर पूरी तरह जख्मी कर देते हैं। टेड और जर्ड के बीच बहुत लड़ाई होती है और आखिर में टेड जर्ड के पेरेंट्स के सामने उसको चीर फाड़ कर उसका दिल निकाल लेता है। साई के फादर और नोई सब गांव वालों को साई की बॉडी से दूर करते हैं और टेड साई को मारने वाला होता है कि वहां पर मॉन्क आ जाते हैं और टेड को शूट कर देते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। फिर मॉन्क नोई को कहता है कि वो साई की बॉडी को लेकर बैंकॉक की नदी के किनारे पहुंच जाए और वो ऐसा ही करता है। वो साई की बॉडी को लेकर नदी के किनारे पहुंच जाता है और उसके बाद जर्ड के पेरेंट्स और गांव वाले उनका पीछा करते हैं। नुई नदी के किनारे पहुंच जाता है और वो साई की बॉडी को बोट में रखता है और साथ ही साथ साई को ये भी कह रहा होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम बैंकॉक भी जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो साई की बॉडी बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी थी और अब उसकी सोल को वापस उसकी बॉडी में जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था।
और यहाँ पर नोई का इतना प्यार देखकर और उसका बिलीव देखकर करासु जो कि एक डेमन सोल है वो भी रो पड़ती है और वो उस बोट की रस्सी को काट देती है, यानी वो बैंकॉक पहुँच जाए। और दूसरी तरफ नोई जो कि मुसलसल रो रहा होता है, क्योंकि यही ये लम्हा होता है जहाँ इन लोगों के बिछड़ने का टाइम आ चुका होता है। और इसी दौरान साई को एक गोली आकर लगती है और वो गोली जर्ड के फादर ने चलाई होती है। फिर नोई जो कि साई से बहुत प्यार करता था अपनी ही आंखों के सामने उसे मरता देखकर हमेशा के लिए उसे खो देता है और यहीं पर इस मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है।